नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के। पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग हुए सड़क हादसे, एक की हुई मौत, 5 जख्मी, घायलों का एमजीएम में चल रहा इलाज। परसोड़ी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड डीएसपी के मकान पर अज्ञात लोगों ने जमाया कब्जा, परिवार वाले ताला तोड़कर घुसे घर। शबे बारात पर शहर के मस्जिदों और कब्रिस्तानों को मोमबत्ती और लाइट से सजाया गया, पूर्वजों की याद में कब्रिस्तानों में मांगी गई दुआ। और शनिवार को बिना मास्क वालों पर रहा प्रशासन का कहर, 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया चेतावनी देकर। खबरें अब विस्तार से। कपाली ओपी क्षेत्र के रुद्री में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में एक जख्मी की मौत हो गई। बताया जाता है चांडल थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र और उसका दोस्त बाइक से जा रहे थे। कपाली ओपी क्षेत्र के रुद्री में एक अज्ञात वाहन की चपेट में दोनों बाइक सवार आ गए। अज्ञात वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। बाद में कपाली ओपी ने दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान रविंद्र नामक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे के संबंध में कपाली ओपी के टाइगर मोबाइल जवान शंभू महतो ने जानकारी दी। पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है ये रुगड़ी, डोबो के आगे एक रुगड़ी है, वहीं पर फोन के माध्यम से पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे दो लड़का गंभीर स्थिति में थे, दोनों को उठा के हम लोग लाए एमजीएम में। कौन गाड़ी मारा है ये तो नहीं पता चल पाया, अभी अज्ञात गाड़ी है। कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है। कहाँ का रहने वाला है ये लोग की जानकारी? ये चांडिल क्षेत्र के हैं, आधार कार्ड से पता चला है। कहाँ जा रहे थे कुछ पता चला है? नहीं, ये तो नहीं अभी तक पता चल पाया है। उसको परिवार वाले संपर्क कर रहे हैं? खोज रहे हैं, नंबर अगर को मिल जाता है तो ठीक है। क्या चीज़ से थे ये लोग? मोटरसाइकिल में थे दोनों, साथ में थे जी, दोनों साथ एक ही बाइक में थे। क्या नाम है इसका? एक का नाम रविंद्र कालिंदी है और दूसरा का नाम पता नहीं चल पाया है। साथी हालत कैसा है? गंभीर बताया है। दोनों का गंभीर स्थिति है। इधर बिष्टुपुर एम रोड आवासीय क्षेत्र में संचालित JH05 रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। बताया जाता है शनिवार को जिला प्रशासन को सूचना मिली, इस रेस्टोरेंट में बिना मास्क लगाए बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे हुए हैं। सूचना मिलने पर ADM विधि व्यवस्था नंद कुमार लाल ने दल बल के साथ पहुंचकर रेस्टोरेंट में छापेमारी की। रेस्टोरेंट में बिना मास्क लगाए बड़ी संख्या में ग्राहक नाश्ता करते हुए पाए गए। रेस्टोरेंट मालिक से कागजात की मांग की गई, परंतु कोई कागजात नहीं मिला। ADM ने रेस्टोरेंट सील कर दिया। इधर कार्रवाई के संबंध में ADM विधि व्यवस्था नंद कुमार लाल ने जानकारी दी। ये तुम्हारा क्या लिखा है? वायलेटिंग दिस नहीं, हमको मालूम है सर। हाँ मालूम है तो पर तुम चला रहे हो? नहीं नहीं, इसको बैठाइए गाड़ी में। चलिए चलिए, हम नहीं जाना। बेटा ना जेल में तुम जाओगे, तुम जेल में चलोगे, तुम यहाँ मजा बजा रहे हो। आदमी 11 बजे 12 बजे रात में रेसिडेंशियल प्लेस में तुम गाजा बजा रहे हो। हाँ डॉक्यूमेंट लाओ यार, डॉक्यूमेंट लाओ। अच्छा
देखिए JH05 है और यही के किसी लोग का है ना, तो ये होटल का कोई कागजात इस तरह से ज़मीन का नहीं दिखाया किसके नाम से है, लेकिन हम लोगों ने इसको देखा कि ये रेजिडेंशियल प्लेस में है। साथ ही साथ इनके द्वारा कोई भी होटल टेक होम के लिए इनको फूड इंस्पेक्टर ने एक लाइसेंस दिया है, लेकिन JNSC के द्वारा कोई NOC नहीं, JNSC के द्वारा कोई होटल चलाने का कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त है, और ऐसी परिस्थिति में अवैध रूप से इनके द्वारा चलाया जाता है होटल। और साथ ही साथ कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगवाना, ये सब नहीं है। इनका केवल टेक होम था, घर में खाना बनाया कोई लेकर के चला गया, ये चीज़ था। यहाँ बैठा के खिलाने का इसका कोई लाइसेंस नहीं है, और साथ ही साथ ये पूरे का पूरे रेजिडेंशियल प्लेस है। साथ ही साथ निकल के इधर रेजिडेंशियल है, बहुत कोई लोगों का शिकायत भी है आसपास के, आके पेशाब कर देते हैं, शराब का बोतल फेंक देते हैं, ये सब चीज़ है ना। क्या सर शराब का तो पिलाया जाता है? आज तो हम लोग को नहीं मिला, लेकिन लोगों का शिकायत है, हम लोग को पहले से कई बार मोबाइल से दूरभाष से इस तरह की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, और हम लोगों ने लोगों से कहा कि रिटर्न भी दे दीजिए शिकायत है ना, मोबाइल से ही नहीं, मैं तो उसी को लेकर के हम लोग वेरीफाई करने के लिए। और ये सच है कि यहाँ पे अत्याधिक लोगों को बैठा के खाना खिलाते हैं, कोई मास्क नहीं लगाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक टेबल में एक आदमी को बैठाना था, एक टेबल में छः छः आदमी को बैठा के रखा है, इन सब चीज़ों इसको वार्निंग दिया और बंद करवा दिया इसको, फिर दोबारा अभी नहीं चलेगा जब तक इसको विधिवत लाइसेंस नहीं होंगे, इनके कागजात नहीं मिलेगा तो यहाँ पे नहीं चला सकते। बहुत से लोगों को सर बिना मास्क में यहाँ पकड़ा भी गया है, इनको ले जा रहे हैं, अभी कोविड टेस्ट कराएंगे, केस करेंगे इन लोग के ऊपर, FIR होगी। उधर घोड़ा बांधा में नशे के हालत में बाइक चलाने के दौरान बाइक स्लिप कर गई। बाइक पर दो युवक बैठे थे। हादसे के बाद एम्बुलेंस 108 से दोनों जख्मी युवकों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक जख्मी युवक के भाई दुखी राम हासदा ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। हादसा रविवार सुबह का है। उसका मंगल है ब्रो। कहाँ कराने वाले आप लोग? मोड़करा। थाना गुड़ा बंदा। कैसे करके क्या घटना हुआ ना? गाड़ी घुमाने की जगह गाड़ी घुमा रहे थे तो। अच्छा, फिर तो इसके एक्सीडेंट हो गया था, हमें हुआ नहीं थे, एक्सीडेंट का नहीं थे। क्या पता चला आपको? हमको पता चला कि एक्सीडेंट हुआ भैया का, तो हम आ गए। वहीं शब-ए-बारात पर मस्जिदों को सजाया गया। कब्रिस्तानों में मुस्लिम समुदाय ने अपने पूर्वजों के लिए दुआ की और फातिया किया। शब-ए-बारात पर मस्जिदों को सजाया गया था। शहर के मस्जिदों एवं कब्रिस्तानों में मुस्लिम समुदाय ने अपने पूर्वजों की याद में दुआ की और फातिया किए। रात भर मस्जिदों में इबादत किए गए। इधर करंडी चौक और सुंदरनगर में पिछले एक साल से खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को बदलकर TSRDS की ओर से नए स्ट्रीट लाइट लगाए गए। बताया जाता है पिछले एक साल से दोनों स्थानों पर स्ट्रीट लाइट खराब था। भाजपा के प्रदेश पार्टी प्रवक्ता कुणाल सारंगी के प्रयास से टिस्को ग्रामीण विकास योजना की ओर से करंदी और सुंदरनगर चौक पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए। इस संबंध में जिला पार्षद सुदीप्ता दे राणा ने जानकारी दी। TSRDS से जो हाईमाल लाइट जीतता है, हम लोग TSRDS को चीफ को सौरभ राय को हम लोग एक कागज पत्र लिखे थे कि जितना हाईमास लाइट है खराब ही है, और विशेष करके जो करंडी सुंदरनगर क्षेत्र है ये बहुत एकदम एक एरिया है, तो हम लोग वहाँ पर आपको देखते हैं, हम लोग इसको बनाने के लिए बोले और करंडी क्षेत्र में जो है सुंदरनगर में है और बनाने के लिए बोले। कितने हाई मास लाइट को आज बनवाया जा रहा है? आज एक बना रहा है सुंदरनगर में और एक बनेगा। इसके लिए मैं टाटा स्टील को चीफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको हम लोग गए और हमारे साथ इस क्षेत्र पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी भी थे, हम लोग गए, हम लोग उनके पास आदमी भेजे।
उधर करंडे स्थित जहर थान में दिशम गुरु सिब्बू सोरेन के स्वस्थ होने पर जेएमएम और माजी बामा ने पूजा अर्चना की। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान दिशम गुरु सिब्बू सोरेन की तबीयत खराब हुई थी। जेएमएम समर्थकों ने गुरु जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए मिन्नत की थी। अब दिशम गुरु स्वस्थ हो गए हैं। उनके स्वस्थ होने पर जहर थान में रविवार को पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पार्टी विधायक संजीव सरदार, जेएमएम समर्थक एवं माझी बाबा मौजूद थे। जमशेदपुर प्रखंड जेएमएम कमेटी अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से विगत लॉकडाउन के क्रम में माननीय दिशम गुरु सिब्बू सोरेन का स्वास्थ्य में सुधार को लेकर हम लोगों ने करंडी स्थित दिशम जहर में मन्नत मांगे थे कि माननीय दिशम गुरु सिब्बू सोरेन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आज हम लोग का मनोकामना पूरी हो गई है, इसीलिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी और यहाँ दिशम जहर के तमाम गणमान्य के लोगों के उपस्थिति में पुजारी के। और शनिवार शाम में शहर के मार्केट में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ धरपकड़ करने की मुहिम चलाई गई। 60 से अधिक लोगों को कैंप जेल में रखने के बाद सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन ने शनिवार शाम में साक्षी और बिष्टुपुर बाजार में सिटी एसपी और धालबुम एसडीओ के नेतृत्व में बगैर मास्क लगाकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर दोनों स्थानों से 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर बसों में बैठाकर मोतीलाल कैंप जेल लाया गया, जहां चेतावनी देकर बाद में सभी को छोड़ा गया। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और धालबुम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने अभियान के संबंध में जानकारी दी। देखिए वो लोग हैं जो एक तो बिना मास्क के हैं, ऊपर से पब्लिक प्लेस में खाके थूकना या ऐसी गतिविधि करना जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है भारत के अंदर। और यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब ने और थाना प्रभारी बिष्टुपुर और डीएसपी सीसीआर साहब ने घूम के लोगों को वार्न किया था कि आज चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार कार्रवाई करेंगे। उसी श्रृंखला में ये अगली कार्रवाई है। इनके ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन और मास्क नहीं लगा के पब्लिक प्लेस के अंदर संक्रमण फैलाने में सहायक सिद्ध होने की धाराओं के अंतर्गत केस किया जाएगा, इनकी टेस्टिंग की जाएगी। चूँकि आप देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उसी तरह से झारखंड में भी और हमारे जमशेदपुर में भी कोरोना केसेस हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बट इसमें भी बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो बाजार में बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं, तो वैसे ही लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी जाँच कराई जाएगी। पकड़ा भी जा रहा है लोगों को? हाँ जी, लोगों को पकड़ के ले जाके उनको जांच कराई जा रही है। इनको कहाँ पर जाया जाएगा फिलहाल? अभी इनको जांच स्थल पे लैब टेक्नीशियन यहाँ हमारे हैं, हमने बिठा के रखा है वहाँ पे, वो लैब टेक्नीशियन के पास जाएंगे, उनका जाँच होगी, इनको छोड़ दिया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059 और 9433111748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेसियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। 832110, फोन नंबर 6206054568, 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत। और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला में ट्रैक्टर का टायर फट जाने के कारण ट्रैक्टर पलट गया, ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है रविवार को ट्रैक्टर में सामान खाली कर खाली ट्रैक्टर वापस लौट रहा था। सरायकेला में ट्रैक्टर का टायर फट गया, ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर चालक जूटू सुरेन और खलासी को चोट लगी। बाद में दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां जूटू की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर जूटू के चचेरे भाई तोरा सुरेन ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। कि ट्रैक्टर चलाते चलाते चक्का फेंका गया तो ट्रंक मैंने ट्रैक्टर पलटी हो गया। पलटी होने के बाद दो जन को लगा, ड्राइवर को लगा, फिर एक लेबर को लगा। कहाँ पर लगा था? सरायकेला। कहाँ जा रहा था? नहीं, खाली गाड़ी आ रहा था, लोडिंग खाली करके आ रहा था, लोडिंग करने जा रहा था। क्या नाम है? एक जन का जोटो सुरेन जो चला रहा था, और एक जन का मुकरू सुरेन। इधर खास महल सदर अस्पताल के पीछे रिटायर्ड DSP के मकान पर कब्जा करने की नियत से अज्ञात लोगों ने कीताडी ग्राम सभा का बोर्ड लगा दिया है। बताया जाता है ये घर रिटायर्ड DSP का है। रिटायर्ड DSP का परिवार पुरुलिया में रहता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान अज्ञात लोगों ने मकान पर कीताडी ग्राम सभा का बोर्ड लगा दिया और मकान पर ताला लगा दिया। इसकी सूचना मिलने पर रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी और उसकी पत्नी रविवार को घर का ताला तोड़कर प्रवेश कर गए। मामले की जानकारी देते हुए शिप्रा महतो एवं प्रलज्ञानंद घोष ने बताया घर पर कब्जा करने की घटना से वे लोग हतप्रभ है। लेगा भाई टाइम पास।
एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मेरा पिताजी भी यहीं पे रहते थे, हम यहाँ पे काम कर चुके हैं शायद प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में, बाद में जब वेस्ट बंगाल में काम मिला तो वहीं पे रह रहे हैं। तो यहाँ जब वहाँ मेरा आंटी का डेथ होने के बाद वहाँ जब हम रह रहे लगे, फिर आए तो देखे यहाँ तला लगा हुआ, ये बोर्ड लगा हुआ, तो फिर हम जहाँ जहाँ लीगल स्टेप जो जैसे होता है थाना में इन्फॉर्म करना है, एसपी ऑफिस में इन्फॉर्म करना है, सब कर चुके, फिर गए तो फिर आए तो फिर कोरोना के पीरियड के पहले जब आए तब भी देखे ऐसे हाल हुआ। फिर हम यहाँ आके रहना चाहते हैं तो आप अंदर आके घुसे बैठे हुए हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, समिति का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए सब इस सभा का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि अपना जमीन के ऊपर ये सभा चलने लगे, हम अंदर आ नहीं पाए, बैठने नहीं पाए, एक ऐसा स्थिति है। देखिए हम यहाँ जो देखे कुछ तो है नहीं, अगर इसके अंदर घुस के देखेंगे है या नहीं है वो तो अलग बात है, क्या रह गया क्या नहीं रह गया वो तो अलग बात है, कम से कम घर तो मिले रहने के लिए, पता नहीं कि हमको तो पता नहीं कि कौन किया कैसे किया कैसे नहीं। ठीक है तो अच्छा अब इसमें आना जाना करेंगे सर। आपका पूरा नाम? पलाश रंजन घोष। ये मेरा ससुराल है, यहाँ पे हम लोग सब पहले रहते थे, अभी मेरे यहाँ पे फुआ सास रहते थे, उनका निधन के बाद हम लोग को आना जाना थोड़ा बढ़ता है, हम लोग पूर्णिया में रहते हैं। अब क्या हुआ है कि हम लोग बीच में आए देखे कि यहाँ पे ग्राम सभा का कोई बोर्ड लगा दिया है और ताला भी लगा दिया, फिर हम लोग पुलिस में भी किए, सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेंट करना होता वो करके वो लोग भी अपना अपना यथास्थ जो करते। मेरा कहने का मकसद उसका, फिर जब हम लोग वापस पुलिस बोले कि ठीक है कर लो, एसडीओ साहब के पास वहाँ भी हम लोग अपना जो जो करना है, जो इस प्रोसेस में जो काम करना है वो हम लोग सब किए, करने के बाद भी हम लोग यहाँ से फिर खोल के किसी तरह खोल के फिर यहाँ बैठे, फिर चले गए, फिर ये लोग ताला मन लगा दिए। अब इसमें तो बहुत मुश्किल है। इससे पहले आप अपने घर में कब आए थे? अभी कोरोना काल में तो नहीं आए सर, कोरोना से पहले आए थे, उस समय भी ऐसे ही बोर्ड लगा है, तो फिर हम लोग हर एक जगह जहाँ जहाँ रिपोर्ट करना था करके सब तरह से, अब हम इसको यहाँ पर रहना चाहते हैं। इसके पीछे ये तो ऐसा लिखा हुआ ग्राम सभा, ग्राम सभा तो किसी का व्यक्तिगत संपत्ति पे तो कोई कर नहीं सकता है, ये तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का घर में, जो मेरे दादा ससुर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, तो उनका यहाँ पे सब उनके यहाँ पे इस तरह से कौन कर रहा है क्या बोले उसको, हम लोग को यहाँ रहना है। इसमें अगर मतलब हम देखिए ये इसको भी ग्राम सभा को भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी के घर में तो जाके नहीं बैठ सकते हैं ना, वो ये तो हमारा घर है, ये यहाँ पे इस तरह से कब्जा करने से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसको वो हमको नहीं मालूम, लेकिन अब हम इसको खोल के हम अपना घर में। मेरा नाम शिप्रा महतो है, मेरी शादी हुई है पलाश रंजन घोष। और हिंदुस्तानी संघ द्वारा टोइला डुंगरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जन मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, चंद्रगुप्त सिंह, बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी महिला पुरुष इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं एक से बढ़कर एक होली के फगुआ गीत गाए गए और लोगों ने होली मिलन का भरपूर आनंद लिया। भारतीय जन मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदुस्तानी संघ के होली जमशेदपुर में सर्वश्रेष्ठ होता है, यहाँ फगुआ का इंतजार लोग करते हैं, इसलिए खुशियों और हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाएं। कुलविंदर सिंह पन्नू जी का स्वागत करेंगे। हिंदुस्तानी संघ के प्रांगण हिंदुस्तानी संघ की होली इस इलाके में लोग इंतजार करते हैं।
ये होली कब होगा और हम लोग जुटेंगे। और यहाँ का फगुआ जमशेदपुर में सर्वश्रेष्ठ रूप से होता है, घर से एक एक हर्ष और उल्लास में जीवन भर का जो तपस्या है सब एक जगह आ करके अपना योगदान देते हैं और ये संस्था हिंदुस्तानी संघ सभी के जोड़ से बना है इस इलाके का। इधर नारायणी सेवा ट्रस्ट और पतंजलि की ओर से महिलाओं ने नीलडी पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में महिला इकट्ठा हुई और होली मिलन समारोह में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं महिलाओं ने कहा कि प्राकृतिक रंग से बना होली ही खेलें। मान लीजिए दुपट्टा, ठीक है, तो आप जो मधुमाला सोशल वर्कर हूँ, नारायणी ट्रस्ट सेवा से संचालिका हूँ जमशेदपुर से, और सुनीता जी भी संचालिका है और ये राजकुमारी जी भी है। हम लोग होली मिलन किए और स्वच्छ और पानी को बचत करते हुए किए, फूलों से होली खेले और फूलों से बना हुआ अबीर से। आज के कार्यक्रम में मैं राजकुमारी शर्मा दिल्ली में योगा सिखाती हूँ। आज हम लोग महिलाओं ने मिलकर के यहाँ होली मिलन सम्मेलन रखा और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग पानी का बचत करते हुए होली खेलना है और हम फूल से बना हुआ ही अबीर वगैरह लगाना चाहिए प्राकृतिक चीज़ से। हम होली खेले तो ज़्यादा हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम लोग यहाँ पर होली मिलन किए, खूब आनंद आया, सभी महिलाएं मस्ती की। हमारे ये पतंजलि महिला पतंजलि और नारायणी सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान के तत्वाधान में हम लोग ने ये प्रोग्राम किया। और जमशेदपुर में इन दिनों लड़कियों को आत्मरक्षा और फिटनेस के लिए सिखाया जा रहा मार्शल आर्ट। आए दिन देश में लड़कियों के साथ अत्याचार और बलात्कार जैसे तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। समय पर लड़कियां अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाती हैं, इसलिए नीलडी पार्क में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मुसीबत में लड़कियाँ अपनी हिफाजत और आत्मरक्षा कर सके। मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षण ले रही लड़कियों का कहना है कि आए दिन देश में बलात्कार जैसे घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में सभी लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दे रहे कोच सुनील कुमार का कहना है कि 60 छात्रों को आज प्रशिक्षण दिया गया ताकि छात्र मजबूत और आत्मरक्षा करना सीखें। यहाँ पर नीलडी पार्क में टेलको की तरफ से मार्शल आर्ट सिखाया गया और ये बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए। जितनी भी गर्ल्स हैं इन्हें ज़रूर सीखना चाहिए और मैं तो कहती हूँ सारे गवर्नमेंट स्कूल या जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर ये मैंडेट करना चाहिए कि सारी की सारी गर्ल्स को मार्शल आर्ट सीखना ही चाहिए ताकि इंडिया में जितने भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं इस पर बिल्कुल भी ये कम हो सके। क्योंकि हम लोग सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ गर्ल्स को हम लोग ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को, जितने भी टीनेजर्स हैं या फिर बड़ी बड़ी फीमेल्स हैं जो भी हैं, इन्हें सबको ये मार्शल आर्ट सीखें। थैंक यू सो मच। आज टेलको के नीलडी पार्क में एक वन दिवस मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग कैंप आयोजित कराया गया था जो योगा संघ के तरफ से नीलडी टीचर्स हैं उनके द्वारा कराया गया था, लड़कियों और महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित के लिए। क्या क्या आज का सेक्शन में 50 से 60 बच्चे को ट्रेनिंग दिया गया, ज्यादा लोग कोविड को देखते हुए इसको रखते हैं। साथ ही आपको बता दें सरायकेला खरसवा जिले के राजनगर में सड़क सुरक्षा के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर हेलीकॉप्टर नगर में चला मास्क चेकिंग अभियान। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने हेतु सभी थाना क्षेत्रों में मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत राजनगर थाना से महज 1 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर नगर में वाहन और मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बिना मास्क के वाहन चलाने वालों पर जुर्माना भी वसूला गया। इसी दौरान सभी से नियमित रूप से मास्क लगाने का आग्रह किया गया। और
होली के मद्देनजर भी और कोरोना को देखते हुए मास्क, सीट बेल्ट और हेलमेट, ये सुरक्षा अधिनियम का पालन करते हुए चलाया जा रहा है। जो नहीं पहन रहे हैं उसको मिनिमम 500 रुपये का फाइन काटा जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना बढ़ते जा रहे, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए आप मास्क और सीट बेल्ट के लिए मिनिमम फाइन। साथ ही आपको बता दें, खरसवा थाना के बुरुडी में स्थित श्री सीमेंट कंपनी के विस्तार को लेकर आज पर्यावरणीय सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कंपनी प्रबंधन ने कंपनी के विस्तार के बाद क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि कंपनी सारी मानकों को पूरा करेगी। सरायकेला खरसवा जिला के खरसवा थाना के बुरुडी में स्थित श्री सीमेंट कंपनी के विस्तार हेतु आज पर्यावरणीय सुनवाई हुई, जिसमे पर्यावरण विभाग के ASO मिथिलेश कुमार झा, ITDA निदेशक संदीप दुराई बुरु समेत कई पदाधिकारी, कंपनी प्रबंधन के पदाधिकारी व भारी संख्या में कंपनी रेयतदार व प्रभावित क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए। कंपनी द्वारा अभी 2.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है, वहीं अब इसे विस्तार कर 7 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है। इस पर्यावरणीय सुनवाई के दौरान प्रदूषण की कमी, प्रभावित एरिया में विकास कार्य पर ध्यान देने, स्कूल व अस्पताल जैसे कई मुद्दे लोगों ने उठाए। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने की भी मांग की गई। उधर कंपनी प्रबंधन ने कंपनी के विस्तार के बाद क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सारी मानक को पूरा कर कार्य करने का भरोसा जताया। जो प्रभावित क्षेत्र है, कंपनी का नियम है, CSR के अंदर नियम है, उसको मरम्मत करना, उसको पानी देना, उनको रोजगार देना, उनको हॉस्पिटल देना। हमारे एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है लेकिन काम चलाओ डॉक्टर है। ये कंपनी का आप देख सकते हैं, इसलिए कंपनी को एक डॉक्टर अच्छा रखना चाहिए। और हमारी मांग है बुरुडी में, एक शिमला में डिस्पेंसरी अति आवश्यक है, उसको खोला जाए। और जमशेदपुर के समाज सेवी मुन्ना सिंह आज मजदूरों के साथ होली खेले और कहा कि मजदूरों के बिना देश और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जमशेदपुर प्रखंड परिसर स्थित गोदाम में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ समाज सेवी मुन्ना सिंह ने होली खेला और मजदूरों के साथ खुशियां बांटी। मुन्ना सिंह ने कहा कि मजदूरों के बिना राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता, इसलिए मजदूरों के साथ हमने खुशियां बांटा और उनके साथ होली खेला और राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं भी देता हूँ। रुको, हम आया ही नहीं। काफी पावन अवसर पर 2021 की होली की पूरे झारखंड के सभी ग्रामीणों एवं देशवासियों को हार्दिक होली की शुभकामनाएं। और हम इस क्षेत्र के मजदूरों के साथ होली मना रहे हैं और मजदूर ही देश की शक्ति है, मजदूर ही सब जगह है, सब कुछ है। बिना मजदूर के देश की शक्ति और आम जनता की शक्ति नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग हुए सड़क हादसे, एक की हुई मौत, 5 जख्मी, घायलों का MGM में चल रहा इलाज। परसोड़ी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड DSP के मकान पर अज्ञात लोगों ने जमाया कब्जा, परिवार वाले ताला तोड़कर घुसे घर। शबे बारात पर शहर के मस्जिदों और कब्रिस्तानों को मोमबत्ती और लाइट से सजाया गया, पूर्वजों की याद में कब्रिस्तानों में मांगी गई दुआ। और शनिवार को बिना मास्क वालों पर रहा प्रशासन का कहर, 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया चेतावनी देकर। और आज के लिए बस इतना ही, चलते चलते आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मार्च को हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।